वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर फर्स्ट बच्चों, कंपनी अकाउंट ईशॉप शेयर। टुडे डिस्कस न्यू टॉपिक कॉलिन एरर्स। टुडे जो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू टॉपिक के बारे में, वो है कॉल इन एरर, कि इसको हिंदी बोलते हैं आदत याचना, मतलब कॉल की जो अमाउंट होती है जिसकी अभी पेमेंट हुई नहीं है, ठीक है, जिसके भी पेमेंट हुई नहीं है उसे बोलते हैं कॉल इन एरर। क्या होता है, जब शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, इनकी पेमेंट करने में क्या होते हैं, फेल्ड होते हैं, जब पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरर्स, ठीक है, या कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, जिसकी पेमेंट होनी अभी ड्यू है, ठीक है, वो यहाँ क्या है, कॉल इन एरर है। ओके, लिखा हुआ इट ऑफ्टन हैपन्स दैट सम शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट कॉल व्हेन इट बिकम्स ड्यू, ठीक है, तो शेयर होल्डर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की पेमेंट करने में क्या होते हैं, फेल होते हैं, और वो अमाउंट क्या अभी ड्यू है, हमारी क्या होती है, कॉल इन एरर। इसके दो मेथड है, दे आर टू मेथड टू डील विद कॉल इन एरर। फर्स्ट है विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर अकाउंट। हम देखो ये जो टॉपिक है, टू मेथड से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। एक है विदाउट ओपनिंग कॉल इन, कि विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर अकाउंट खोले बिना ही, ठीक है, ट्रीटमेंट हो सकता है, एक कॉल इन एरर अकाउंट खोल के कर सकते हैं। तो अगर विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर अकाउंट है तो क्या लिखेंगे, कैंटी होगी बैंक अकाउंट एव टू शेयर कॉल अकाउंट, और भाई ओपनिंग कॉल इन एरर अकाउंट है, अगर कॉल इन एरर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कॉल इन एरर क्या होगा, डेबिट, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि अभी वो पेमेंट मिली नहीं है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है भाई। कॉल इन एरर्स क्या होता है, जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की पेमेंट करने में फेल होते हैं, ठीक है, जिसकी पेमेंट करने अभी ड्यू है वो कॉल इन एरर है। इसकी डील टू टाइप्स होगी, एक विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर अकाउंट, एक ओपन कॉल इन एरर अकाउंट। अगर विदाउट ओपन है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, और कॉल इन एरर अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। और कॉल इन एरर की इंटरेस्ट की रेट हमारी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कितनी परसेंट है, 10%, ठीक है बच्चों। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 16। देखो चो, चंद्रा लिमिटेड इशू 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, पेमेंट वर टू बी मेड एज 25 रुपये एप्लीकेशन, 45 अलॉटमेंट, 35 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेक्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 से, गिव द जनरल एंट्री, फिर कैशबुक। बच्चे हम कैशबुक नहीं बना, डायरेक्ट जनरल एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। चंद्रा लिमिटेड ने 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं जो कि 100 रुपये ईच है, 5% प्रीमियम पे उसकी पेमेंट होनी है, 25 रुपीज़ अप्लीकेशन, 45 रुपये अलॉटमेंट, 35 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ ये गिवन है कि प्रीमियम किसके साथ है, किसके साथ इंक्लूड है, तो हम अलॉटमेंट के साथ मानेंगे, किसके साथ मानेंगे, अलॉटमेंट। द अप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, कि 14,000 शेयर के लिए अप्लीकेशन आई है, सारे प्राप्त कर ले गए, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसका 200 शेयर है, फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं कर रहा, क्लियर। देखो सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने, 25, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी, 14,000 इंटू 25, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,50,000, 3,50,000, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यही अमाउंट क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। पी का मतलब प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने रिसीव किए उतने हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। अब अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हमारे हैं 45 रुपीज़ की, कितने की अलॉटमेंट हमारी, 45 की, और प्रीमियम 5% है, 100 का 5% कितना हो गया, 5 हो गया। अब गिवन नहीं कि प्रीमियम किसके साथ है, तो किसके साथ एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट, तो
तो कैंडिडेट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। प्रीमियम कितना है 5 40,000 14,000 इंटू 5 70,000। अलॉटमेंट कितने से 45 में से 5 प्लेस करेंगे 14 इंटू 40 5,60,000 टोटल 6,30,000। ये ड्यू की अब रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 6,30,000। नेक्स्ट प्रेफरेंस अब फर्स्ट कॉल कितने की है 35 की। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 35 4,90,000 4,90,000। क्लियर। अब कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसका 200 शेयर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं कर रहा, तो एंट्री कितनी क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 14,000 शेयर है 200 शेयर की पेमेंट नहीं हुई तो पेमेंट कितने की होगी 13,800 इंटू 35 4,83,000 4,83,000। ये विदाउट ओपन है, ये क्या है विदाउट ओपन कि हमने कॉलिनर अकाउंट ओपन किए बिना ही हमने क्या किया एंट्री। तो कॉलिनर अकाउंट जब ओपन नहीं करते तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे लेस अमाउंट लेस करके दिखा देंगे। ठीक है 14,000 शेयर की होनी थी 200 शेयर की नहीं तो कितने शेयर की 13,800 इंटू 35 4,83,000 4,83,000। अगर ओपन कर रहे हैं तो कॉलिनर अकाउंट को हम क्या करते हैं डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिनर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। पेमेंट कितने कितनी की 200 की फर्स्ट कॉल कितनी 35 200 इंटू 35 7,000। पेमेंट होने कितने की थी 4,90,000 की पेमेंट हो गई कितने की 7,000 तो हो गई कितने की 4,83,000। हम इन दोनों से कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं, दोनों एंट्री राइट है, ये विदाउट ओपन है ये ओपन है। अगर क्वेश्चन गिवन नहीं है तो कोई सी भी कर सकते हैं, अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।